Hello friends, today we see the example of a discrete frequency distributions. Last time हमने ungrouped data का किया था and this time we'll see the discrete frequency distribution. So first of all we discuss the formula for discrete frequency distribution. कि discrete frequency distribution में क्या है? तो means the value of observation xi हमारे पास है and fi frequency, that means frequency क्या है? The number of observation repeated how many times? कि जो observation है वो कितनी बार repeat हो रहा है? For example, एक simple example ही ले रहे हैं means और थोड़ा clear कर रहे थे कि समझ लो कि हमारे पास 0 value है 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पे frequency में 0 कितनी बार repeat हो रहा है? तो 0 is repeated 4 times, 1 में 1 कितनी बार repeat हो रहा है, तो 1 is repeated 8 times, then 2 is repeated, 2 कितनी बार repeat हो रहा है, तो 2 is repeated like यहाँ पे 23 है, तो 23 times, now 3, तो 3 is repeated 8 times, 4, तो 4 is repeated 6 times, and 5 is repeated 3 times. ये लाइक हमारा प्रॉब्लम है, ये सब ऐसे हमने रेडीमेड दिया है और क्वेश्चन होगा कि फाइंड द मीन और द एवरेज. सपोज 1 टू 5 के किसी 5 मार्क्स का ओरल टेस्ट लिया है या कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ऐसा क्वेश्चंस है, कोई भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ डे, ऐसा कुछ भी वेरिएबल है, फॉर्म ले सकते हैं कि वेरिएबल के नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ डे. तो 0 कितनी बार हुआ है? 4 टाइम्स, यानी पूरे दिन में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ऐसा समझ लो. 0 चिल्ड्रन वाली फैमिली कितनी है? तो कहते हैं नंबर ऑफ 4 है. 1 एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है? तो 8 टाइम्स हुआ है ऐसा. या तो फिर 1 चिल्ड्रन वाली फैमिलीज कितनी है? तो 8 फैमिलीज है. 2 चिल्ड्रन की कितनी फैमिली है? 23 फैमिलीज ऐसी है कि जिनको 2 चाइल्ड है, लाइक 1 बॉयज 1 गर्ल्स है, दोनों बॉयज है दोनों गर्ल्स है, वैसे 3 चिल्ड्रन, देन 8 फैमिलीज ऐसी जिनको 3 चिल्ड्रन है, 6 फैमिली ऐसी जिनको 4 चिल्ड्रन है, और 3 फैमिली ऐसी है जिनके 5 चिल्ड्रन है. तो वेरी सिंपल, ये क्लियर हो गया. अब ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के लिए x बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन n, और कुछ भी नहीं है. कि ये जितनी बार रिपीट हो रहा है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल में मींस इजी हो जाएगा. इट्स आल्सो द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है. नाउ हमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट्स कॉल्ड एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15 प्लस 8 23 प्लस 6 29 प्लस 3 तो 32. तो दैट्स इट. 2 3 प्लस 2 5 तो fx है. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 into 4 तो आंसर क्या है 0. 8 into 1 तो आंसर है 8. 23 into 2 23 की जा 46 तो ये हो गया हमारा 46. 3 into 8 24. 4 into 6 24. 5 into 3 2. And submission FIXI is equal to 8 plus 6 14 plus 4 14 plus 4 18 18 plus 4 18 plus 4 22 22 plus 5 27. 2 carry कर लो. 2 plus 4 6 6 plus 2 8 8 plus 2 10 10 plus 1 11 then 170. तो ये दोनों वैल्यू अब हमारे पास है. नाउ सिर्फ वैल्यू मींस यानी कि फार्मूला में वैल्यू अप्लाई करनी है और एक शॉर्टकट फार्मूला भी है. x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन fi di अपॉन n
ये भी सिंपल है। सबसे पहले हमें डीआई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहां पे डीआई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड डीवाई फाइंड करने के बाद हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड में। ये डायरेक्ट मेथड है और ये शॉर्टकट। ओके, तो डीआई यहां पे चेक करते हैं। एज्यूम करना है कि एप्रोक्सीमेट लॉग मींस डीआई इज इक्वल टू xi माइनस a। अब हमने a इज इक्वल टू 2 एज्यूम कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 लेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं, 0 माइनस 2 तो आंसर हो गया माइनस 2, 1 माइनस 2 आंसर हो गया माइनस 1, 2 माइनस 2 आंसर हो गया 0, 3 माइनस 2 आंसर हो गया 1, 4 माइनस 2 आंसर हो गया 2, 5 माइनस 2 आंसर हो गया 3। नाउ टोटल चेक कर लो, तो सबमिशन DI की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें FIDI की वैल्यू चाहिए, सो FIDI फाइंड कर लेते हैं। FIDI को FI and DI दोनों को मल्टीप्लाई करना है, FI and DI दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहां पे। तो सिंपल है, 4 into minus 2, तो 4 into 2 कितना हो रहा है 8, तो ये हो गया minus 8, 8 into 1 ये हो गया minus 8, 23 into 0 हो गया 0, 8 into 1 8, 6 into 2 12 and 3 into 3 9। Now minus 8 and minus 8 minus 16 ये दोनों नेगेटिव डिजिट है, यानी कि उसका टोटल हो रहा है minus 16, और ये पॉजिटिव नंबर्स का टोटल चेक करेंगे तो 12 plus 8 20 and plus 9 29, तो ये हो रहा है minus 16 और ये हो रहा है 29, और नेट फाइनल हम चेक करेंगे तो 29 में से 16 को हम लेस कर देंगे तो आंसर बचेगा 30। तो ये हो गया तुम्हारा सबमिशन, FIDI is equal to 30। Now सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो FIXI, now see the FIXI, तो FIXI is equal to कितना है 117, तो FI is equal to 117 divided by N is equal to, आंसर क्या है 50, तो n is equal to 52, तो that's why x bar is equal to 52 to the 104, और बाकी जो 13 बच रहे हैं तो आंसर हो रहा है 525। Now shortcut method से चेक करते हैं, a is equal to, तो a is equal to assuming हमने कितना लिया हुआ है 2, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 2 plus submission FIDI, तो submission FIDI हमारा कितना है 13, तो ये हो गया 13 divided by n, so n is equal to value क्या है 52, तो ये हो गया 52। Now very simple, 13 4 जा 52, तो ये है तुम्हारे पास value 2 plus 1 by 4, तो 1 by 4 का answer क्या है 2 plus 0.25, n is equal to यहाँ पे 2 है, 2.25, तो ये हो गया 2.25, तो that's a x bar is equal to 2.25, ये चेक कर लेना अच्छे से, 5 की जगह पे 2 है, by mistake record हुआ है 2.25 2 point, चाहे direct method से solve करेंगे या indirect method से, दोनों method में answer same आने वाला है, तो ये हमने discrete का किया है। और एक टू एग्जांपल लेते हैं, सो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।